दर्ज कराएंगे। बोलिए भारत। मांधाता उपचुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी ने किल्लोर मंडल में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया। बूथ स्तर के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में क्षेत्र के सांसद नंद कुमार सिंह चौहान, प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल सहित भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता शामिल हुए। परिचायक है कि आप इस कमल के फूल पर कार्यकर्ता सम्मेलन को प्रभारी जसवंत सिंह हाड़ा, भारतीय जनता पार्टी के मांधाता उपचुनाव प्रत्याशी नारायण पटेल सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपील की। जिसमें आपका वंदन हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है, ये फूल और पकड़ी से आपका स्वागत हो रहा है। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में कई नए लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और पार्टी की सदस्यता ली। इस दौरान कृषि मंत्री कमल पटेल और सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने फूलों से कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। कृषि मंत्री जिन्होंने आपको लाखों में करोड़ रुपए का जो है आरबीसी 6 में जो आपको अनुदान दिलाया है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अगर तहसील बनाने का कोई योगदान है तो वो नंदू भैया और कमल जी को और नारायण जी को जाता है। उन्होंने ही इसको मुख्यालय तहसील का बनाया है। इसलिए मैं क्योंकि मंत्री जी आने के पहले जितनी हिसाब किताब की बातें थी वो आपसे जो घर पे नई बहू आती है तो उधर हमारे बुरहानपुर तरफ कहते उसका पायगुन अच्छा है, तो जिसके आने से घर में अच्छा होता जाए तो बोलते उसका पायगुन अच्छा है। तो नारायण भाई का भी पायगुन हमारे लिए अच्छा साबित हुआ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के पीने के पानी की समस्या हल करने जल जीवन मिशन शुरू किया है। जल जीवन मिशन हर गांव में पाइपलाइन से घर घर तक पानी पहुंचाने का संकल्प है हर गांव। और भगवान की कृपा से वो जो जल जीवन मिशन है, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार, कमल भाई मोदी जी ने उसका मेरे को मेंबर बनाया है। तो प्रथम चरण में हमारे खंडवा जिले के हिल्लोद ब्लॉक के 10 गांव को प्रथम चरण में लिया है। अभी दूसरे चरण का सर्वे होगा और किस किस गांव को कितना कितना पैसा मंजूर हुआ है वो बताकर मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। जहां हम बैठे ग्राम गड़बड़ी में और विस्तार के लिए, यहां तो पानी की टंकी वगैरह है लेकिन और विस्तार के लिए पंकज मुर्गी जान से जारी खाने वाले को मैं नहीं दिया। अरे कुछ तो करो यार, किल्लोद में क्या नहीं दिया यार, सब दिया भी है। नर्मदा माई तुम्हारे प्यासे खेतों तक लाई, कसम खाई थी मैंने शिवराज के सामने कि जब तक किल्लोद लिफ्ट इरिगेशन मंजूर नहीं करोगे मैं किल्लोद के धरती पे पांव नहीं रखूंगा। अब मोदी जी से फिर में पब्लिक आ गई और नारायण भाई जीते। बड़े अरमान पाले थे इस मिट्टी का कर्ज है मेरे सर पर, मैं कुछ और करके किसान का बेटा हूँ। मैं मांधाता क्षेत्र में और ज्यादा काम करके दिखाऊंगा और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा काम मैं करूंगा, ये लगन और उमंग की। वो सबसे लेकर चुनाव के मैदान में सफल हो गए। 2 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ, लोग डिफाल्टर हो गए, कागज के सर्टिफिकेट थमा दिए, खाते में पैसा नहीं। वो तो भला हो शिवराज सिंह चौहान का और कमल पटेल का हिसाब, अब जो भी हुआ जैसे हुआ किसान का क्या कसूर है, वो तो भोला भाला है। इनोवा कसा दी, 30 इनोवा कसा कर बाबा को भेजे हमारे क्षेत्र में, वो भी अपने मुंह से गद्दार बोल रहा है।
वो जबकि भारतीय जनता पार्टी में था, अब कांग्रेस में चला गया और गद्दार बोल रहा है, यहाँ के लोगों को गद्दार बोल रहा है, मेरे को नहीं बोल रहा है, इस प्रकार उसकी सोच है। तो आपको समझना है और आपको निर्णय करना है। भारतीय जनता विश्वसनीय खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। हर्ष उपाध्याय, न्यूज़ पास, खंडवा।